बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एयर होस्टेस जहाज में अपने हाथ पीछे करके खड़े क्यों होती है। तो जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपने कभी ये सोचा कि जहाज में दाखिल होते ही जिस खूबसूरत एयर होस्टेस पर आपकी नजर पड़ती है और आपका गर्मजोशी से अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट से आपका इस्तकबाल करती है, वो जहाज में अक्सर पीछे हाथ करके खड़ी होती है, ऐसा क्यों है? तो दोस्तों दरअसल उसके हाथ में एक गिनती का आला होता है जिस पर वो मुसाफिरों की सीट के मुताबिक गिनती कर रही होती है कि जितने बोर्डिंग पास जारी हुए हैं उसके मुताबिक मुसाफिर मौजूद हैं कि नहीं है। अगर कोई मुसाफिर बोर्डिंग पास की लिस्ट के मुताबिक कम पाया जाए तो वो बोर्डिंग एरिया में ऐलान करवाती है ताकि मुसाफिर जहाज में अपनी सीट पर आ जाए और इस गिनती के मुताबिक मुसाफिरों को खाना दिया जाता है। और ये वो लिस्ट होती है जिससे पता चलता है कि जहाज में मौजूद कुल कितने मुसाफिर हैं और मुसाफिरों की आखिरी गिनती जहाज में मुकम्मल होती है, क्योंकि बाज़ औक़ात बोर्डिंग पास भी जारी हो जाते हैं और मुसाफिर जहाज में अपनी सीट पर भी आकर बैठ जाता है, लेकिन इमिग्रेशन किसी भी मुसाफिर को बोर्डिंग पास कैंसिल करवा सकती है और उसे जहाज से वापस ले जा सकती है। इसलिए एयर होस्टेस का गिनती करना बहुत जरूरी होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।